नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ और महाराष्ट्र का जो क्राइसिस चल रहा है इस वक्त और जिसको लेके सारी पार्टियां, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इन सब ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल इस पे फैसला 10:30 बजे सुनाया जाएगा। लेकिन लगातार हुआ क्या कोर्ट में, जब सुबह से कार्रवाई शुरू हुई और 12 बज गया, लगभग 1.5 घंटे तक कोर्ट में बहस चली, क्या हुआ कोर्ट में, ये हम आपको बताएंगे। मेरे साथ हसनैन। हसनैन, कोर्ट में क्या हुआ, अगर आप के पास वो जानकारी हो कि सिलसिलेवार ढंग से हुआ क्या कोर्ट के अंदर। देखिए, अगर इस पूरे सियासी ड्रामे को देखें तो यहाँ पर कपिल सिब्बल वहाँ पर पक्ष रख रहे थे शिवसेना का, और इसके साथ अगर हम बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता है, वो एनसीपी और कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे। लेकिन यहाँ पर फ्लो टेस्ट के लिए कांग्रेस ने बोला, जो कांग्रेस की तरफ से जो वकील थे कपिल, जो पक्ष रख रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि फ्लो टेस्ट से क्यों आज या कल ही करा लेना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे मानने से इनकार कर दिया इससे पूरे मामले में। और इसके अलावा अगर हम देखें तो केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता, और इसके अलावा अगर हम बात करें वहां मुकुल रोहतगी भी पक्ष रख रहे थे वहां पर राज्य सरकार की तरफ से। तो यहां से अगर हम देखें इस पूरे मामले को तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए टाल दिया, यानी कहीं ना कहीं 24 घंटे का और मोहलत वहां पर देवेंद्र फडणवीस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा जी, है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम आपको बताएं, सुबह लगभग 10 बजे जो है वो शिवसेना के नेता अनिल देसाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में मामला शुरू हुआ, 10:30 बजे मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, 10:35 पे लगभग शिवसेना की ओर से कपिल सिब्बल अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से अपीयर हुए। तो यहाँ पे जो जो कपिल सिब्बल हैं वो शिवसेना के वकील हैं और अभिषेक मनु सिंघवी एनसीपी और कांग्रेस के हैं, वो अपना दलील रखे। बिल्कुल, और कपिल सिब्बल की अगर बात करें तो उन्होंने उसमें कहा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, ऐसा क्या हो रहा था जो 5 बजे राष्ट्रपति शासन हटाया गया और इसके अलावा 8 बजे शपथ समारोह हो गया। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से पूरी कोशिश थी कि फ्लोर टेस्ट हो जाए, ताकि और खासकर अभी अभिषेक मनु सिंघवी के अगर हम बयान देखें तो उन्होंने कहा कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो जरूर वहां पर हार जाएगी बीजेपी, लेकिन इसको अभी तक पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया। और इस फ्लो टेस्ट को लेकर कितना समय दिया जाता है, क्या होगा, आज सभी दलीलें सुन ली गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला है वो सुरक्षित रख लिया, तो कल पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या 10:30 बजे फैसला सुनाती है। इसके अलावा अगर मुकुल रोहतगी की बात करें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए 14 दिन का वक्त दिया है, उन्होंने कहा कि प्रोटेम स्पीकर के बाद स्पीकर का चुनाव जरूरी है, लेकिन विपक्ष प्रोटेम स्पीकर से ही काम कराना चाहता है। इसके अलावा अगर सिंघवी की बात करें तो उन्होंने दलील दी कि हम आज ही फ्लोर टेस्ट हारने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी गठबंधन फ्लोर टेस्ट अभी नहीं चाहती, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा सिंघवी ने एक और बात कही कि फ्लोर टेस्ट आज या कल ही करा देना चाहिए, साथ ही फ्लोर टेस्ट सीक्रेट बैलेट से नहीं कराया जाना चाहिए, बीजेपी फ्लोर टेस्ट हारेगी ही, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के समर्थन का जो हलफनामा था रिकॉर्ड लेने से भी उनका इनकार कर दिया, जो पक्ष जो शिवसेना या कांग्रेस या एनसीपी का रख रहे थे। आपको बता दें, तुषार मेहता जो कि राज्यपाल की तरफ से, उन्होंने कहा राज्यपाल ने 9 नवंबर तक इंतजार किया, बीजेपी ने मना कर दिया, 10 तारीख को शिवसेना से पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया, 11 को एनसीपी ने भी मना कर दिया, 11 तारीख को तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके बाद किसी ने सरकार बनाने का कोई दावा यहां पेश नहीं किया। तुषार मेहता ने कहा कि आर्टिकल 32 की याचिका में राज्यपाल के आदेश को इस तरह से चुनौती दी जा सकती है या नहीं, राज्यपाल को पता था कि चुनाव पूर्व में एक गठबंधन जीता था। राज्यपाल की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में अजीत पवार की चिट्ठी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको दी, जिसमें 54 विधायकों के नाम थे। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को चुनाव हुआ, 24 को नतीजे घोषित हुए, बीजेपी के 105 सदस्य हैं, शिवसेना के 56 सदस्य हैं, एनसीपी के 54 हैं। शिवसेना और बीजेपी का प्रीपोल अलायंस था, सबसे पहले बीजेपी को बुलाया गया, वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, इसके बाद शिवसेना को बुलाया गया, वो भी बहुमत साबित नहीं कर पाए, उसके बाद एनसीपी को बुलाया गया। जी जी, और उसके बाद अगर देखें तो
कहीं ना कहीं समय जो दिया गया था एनसीपी को या शिवसेना को, शिवसेना ने पूरा टाइम लिया लेकिन एनसीपी को जो समय दिया गया था उससे कहीं ना कहीं पहले ही राष्ट्रपति शासन की वहां पर मांग कर दी गई थी और उसके बाद लगा दिया गया था। उसके बाद से ये पूरा सियासी ड्रामा चल रहा था शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के बीच। अगर यहां पर कपिल सिब्बल की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि देश में ऐसी क्या राष्ट्रीय विपदा आ गई थी जो सुबह 5 बजे राष्ट्रपति शासन हटा और 8 बजे सीएम की शपथ दिलवाई गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अवैध तरीके से सरकार बनाई गई है। इसके अलावा सिंघवी की अगर हम और बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 7 निर्दलीय विधायकों का भी हलफनामा है। इसके अलावा हमारी मांग है कि 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराया जाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि वरिष्ठ जनों की देखरेख में फ्लोर टेस्ट हो, इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे मामले पर तो अब कहीं ना कहीं जाके फिलहाल 24 घंटे का जो मोहलत मिला है तो बीजेपी को, कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे आराम मिलता जी, हुआ बिल्कुल। और एक राज्यपाल के जो संवैधानिक पद है या राज्यपाल के बिहेवियर को लेकर भी लगातार सवाल उठे। मुकुल रोहतगी ने यहाँ कोर्ट में कहा कि अब जो होगा विधानसभा के फ्लोर पर ही होना चाहिए, लेकिन राज्यपाल पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है कोर्ट के अंदर? उन्होंने भी तो फ्लोर टेस्ट के लिए बोला है, उन्होंने ये कहा कोर्ट में, फ्लोर टेस्ट तब होगा कब होगा ये तय करने का अधिकार राज्यपाल का है, इसे कोर्ट को तय नहीं करना चाहिए। राज्यपाल पर आरोप लगाना गलत है। फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल को कहीं नहीं, राज्यपाल को नहीं कहा जा सकता कि कितने दिनों में कराना है, ये राज्यपाल के विवेकाधिकार है। राज्यपाल के कदम को दुर्भावना से प्रेरित नहीं कहा जा सकता, यहाँ डिफेंड करते हुए नजर आए जी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने, केंद्र ने जो सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अजीत पवार के पत्र में है एनसीपी के जो 54 विधायक है सारे के हस्ताक्षर हैं, यह अपने आप में एक दिलचस्प है। क्योंकि अगर आप कल का ट्वीट देखें अजीत पवार का और शरद पवार का, तो वहां पर दोनों ऐसा लग रहा था, अजीत पवार के बयान से ऐसा लग रहा था कि शरद पवार कहीं ना कहीं पीछे हैं उनके सपोर्ट में, लेकिन शरद पवार के बयान से ऐसा लग रहा था कि वो कहीं भी इस मामले में नहीं है। और यहाँ पे मात्र 4 विधायकों को लेकर ऐसा लग रहा था कि अजीत पवार चल रहे हैं, लेकिन जो हस्ताक्षर दिखाए जा रहे हैं वो 54 विधायक के हैं, इसीलिए शिफ्ट भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सियासी ड्रामा है ये महाराष्ट्र में हालिया फिलहाल में जो कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा सियासी ड्रामा हाल फिलहाल में इस तरह का देखा नहीं गया जी, है। बिल्कुल। और अजीत पवार की ओर से मनिंदर सिंह थे वहां पे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब चिट्ठी की बात आई तो कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने कहा ये जो चिट्ठी राज्यपाल को दी गई वो कानूनी रूप से सही है। उन्होंने ये कहा, अजीत पवार ने कहा कि मैं एनसीपी हूं, ये बड़ी बात है, वो ये खुद कह रहे हैं कि मैं एनसीपी हूं, विधायक दल का नेता हूं, यही सही है, कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत याचिका को सुनना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय हाई कोर्ट जाना चाहिए था, अगर बाद में कोई स्थिति बनी तो इसे राज्यपाल देखेंगे, उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, कोर्ट इसमें दखल क्यों दे रहा है। बिल्कुल, अजीत पवार अपना पावर यहां पर दिखा रहे हैं, क्योंकि कल का ट्वीट में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि हम अभी एनसीपी में ही है और हमारे नेता शरद पवार है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है उनके पक्ष की तरफ से कि अजीत पवार ही एनसीपी है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा खेल चल रहा है एक तरीके से शरद पवार और अजीत पवार के बीच, और देखना होगा कि इसमें क्या रास्ता निकल कर आता है। लेकिन यहां पर अजीत पवार जिस तरह से अड़े हुए, इस बीच इतना सियासी ड्रामा चल रहा था उसी बीच में उन्होंने जाकर महाराष्ट्र के जो कहा जा सकता है सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनसे मुलाकात की और किसानों को लेकर चर्चा की। उनको यह भी कहा जा रहा है कि 14 मंत्रालय दिया जाएगा, तो ये अपने आप में मुख्यमंत्री पद का। लेकिन इसमें आज कोर्ट में लगातार जब दलीलें दी जा रही थी तो इस तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ गया वकीलों को कि आप हमें मत बताइए हमें क्या करना है। लगातार ये उनको सजेशन दिया जा रहा था, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो चाहे कपिल सिब्बल हो, शिवसेना के वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि कोर्ट को तत्काल फ्लोर टेस्ट का आदेश दे देना चाहिए, 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट करा लेना चाहिए, कोर्ट ने पहले भी ऐसा किया है आज भी करना चाहिए, सबसे सीनियर मेंबर को प्रॉम्प्ट स्पीकर बनाना चाहिए। हालांकि तुरंत मुकुल रोहतगी ने बोला कि कानूनन जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका होता है प्रोटेम स्पीकर, लेकिन प्रोटेम स्पीकर की बात कही कि सबसे सीनियर आदमी को बनाना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, कोर्ट को ये आदेश देना चाहिए कि इन सब चीजों को हो। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपकी बात याचिका में नहीं है, इसे ना बोलें, इसे हमें ना बताएं क्या करना है, ये कोर्ट के ऊपर छोड़ दें, कोर्ट ये बेहतर जानता है,
कि उनको किस तरीके से फैसला लेना है बिल्कुल इसके यही ऊपर। बात सिंघवी ने भी कही सुप्रीम कोर्ट में कि 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आप हमें ना बताएं कि हमें क्या आदेश देना है या क्या फैसला लेना है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का जो पक्ष रख रहे थे, कहीं ना कहीं इस जीत पे आ रहे थे कि आज ही फ्लोर टेस्ट हो जाए ताकि पता चल सके कि हकीकत क्या है। हालांकि सिंघवी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख रहे थे, उसे साफ पता चल रहा था कि सिंघवी बहुत आश्वस्त है कि सरकार गिरेगी या बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन अगर शिवसेना, माफ कीजिएगा, बीजेपी के तरफ से या केंद्र की तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा है उसके हिसाब से अगर देखे तो 54 विधायक का हस्ताक्षर पत्र, और अगर इस सिर्फ इस मुद्दे को ही देखे तो ऐसा लग रहा है कि दूसरी तरफ से भी पूरी तरह से कहा जा सकता है कि वह भी निश्चिंत है कि सरकार हमारे नहीं गिरेगी, और जब फ्लो टेस्ट होगा तो हम तो बहुमत साबित आ कर पाएंगे। लेकिन आपको बताएं, इसी बीच जो मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई। सिंघवी ने कहा कि अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुनने के लिए किए गए विधायकों के हस्ताक्षर राज्यपाल को दिए गए पत्र में लगा दिए गए हैं। सिंघवी ने कहा कि मैं इन बात पर जोर नहीं देना चाहता, मगर ये बातें अपने आप में आधार हैं, फ्लोर टेस्ट आज ही हो जाना चाहिए। जब सिंघवी और रोहतगी की बहस ज्यादा गर्म वाली हो गई तो फिर जस्टिस रमाना है, उन्होंने दोनों लोगों को शांत कराया। और बिल्कुल अगर इस पूरे मामले को देखें तो इसकी गूंज कहीं ना कहीं लोकसभा में भी दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट में तो ये गर्म बहस चल ही रही थी, जो भी दलीलें रखनी थी वो रखी जा रही थी दोनों ही पक्ष की तरफ से, लेकिन लोकसभा में भी जमकर इस पर चर्चा हुई कहा जा सकता है कि, और राहुल गांधी बहुत दिनों से खामोश थे जी। और आज उन्होंने इस पर कहा कि लोकतंत्र की एक तरह से हत्या हुई जी, है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर ये बात बोली, हालांकि बहुत छोटा ही बोल पाए, 20-25 सेकंड का ही बोल पाए। अगर हमारे कंट्रोल रूम में आवाज जा रही है तो ये क्लिप दिखाएं क्या कहा राहुल गांधी ने, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। नमस्कार, क्वेश्चन नंबर, स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था, मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है आज। धन्यवाद। आपने सुना, राहुल गांधी लोकसभा के अंदर बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हसनैन, और जिस तरीके से उनके तेवर हैं, एक और भी पीछे की खबर आ रही है कुछ जी। बिल्कुल, मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे सियासी ड्रामे में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं। तो ये अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि राहुल गांधी को अगर देखें तो लोकसभा चुनाव के बाद बहुत कम कार्यक्रम में दिखे हैं, बहुत कम जगह पे रैली की है। उन्होंने सोनिया गांधी को जब अध्यक्ष बनाया गया, फिलहाल तो अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया, तो उसके बाद अगर देखें तो राहुल गांधी पूरी तरह से पार्टी से कहीं ना कहीं कटे हुए थे। एक दो रैली हरियाणा में की और महाराष्ट्र में उसी तरह अभी तक झारखंड नहीं पहुंचे हैं जहां पे चुनाव होने हैं, और राहुल गांधी का इस तरह से अचानक से लोकसभा में आना, और लोकसभा में भी अभी तक अगर पिछला देखिए सत्र तो उसमें भी राहुल गांधी ने एक बार भी स्पीच नहीं दी थी, और इस बार अगर देखें तो थोड़ा सा बोला, 20-25 सेकंड में अपनी बात रखी, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने एक हमला बोला और एक संदेश देने की जरूर वहां से कोशिश की लोकसभा से कि राहुल गांधी अभी भी जो लोकतंत्र या जो भी महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा चल रहा है उसमें पूरी दिलचस्पी रख रहे हैं और पूरी पीछे से पूरी रणनीति बना रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देखने को मिला, बनाते हुए नजर आए। लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला चल रहा है महाराष्ट्र का, हसनैन, ऐसा ही 1998 में यूपी में देखने को मिला था। यूपी में कल्याण सिंह की जब सरकार थी, रातों रात जगदम्बिका पाल, जो अभी दोबारा डुमरियागंज से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही कांग्रेस छोड़ के पहुंचे, उस दौरान अपने सहयोगी विधायकों की मदद से उन्होंने रातों रात सरकार पलटने की कोशिश की, शपथ ले ली। रमेश भंडारी उस समय राज्यपाल हुआ करते थे, और तख्ती बदल दी गई मुख्यमंत्री कार्यालय की और वो जाके बैठ गए। उसके बाद यही भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट भागी, हालांकि केशवनाथ त्रिपाठी उस वक्त स्पीकर हुआ करते थे, उन्होंने वो सारे मेंबर जिन्होंने समर्थन किया था जगदम्बिका पाल का, उनकी सदस्यता को खारिज कर दिया था दल बदल कानून के तहत। हालांकि जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो वो 13 विधायक जो थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही वोट डाले थे, लेकिन जो कल्याण सिंह की सरकार थी वो उन 13 विधायकों के समर्थन के बावजूद जो है फ्लोर टेस्ट में पास हो गई थी। तो आज ये उल्टा जो है, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, भाजपा के साथ 98 में यूपी में हुआ था कल्याण सिंह की सरकार में, वो यहाँ
एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस के साथ होता हुआ नजर आ रहा बिल्कुल इतिहास कहीं ना कहीं दोहराता है। और आप अगर हाल ही के देखे कर्नाटका में भी कुछ इस तरह का सियासी ड्रामा हुआ, भले मामला बहुत इतना सियासी ड्रामा वहां पर नहीं हुआ, लेकिन वहां पर भी आप अगर देखें तो सबसे पहले वहां के जो फिलहाल के जो वर्तमान सीएम है उन्होंने पहले शपथ ले ली, बाद में उनको लगा कि हम फ्लोर टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगे तो उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया, फिर बाद में वहां पर जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई जी। तो वहां पर ऐसा सिचुएशन आ गया था, लेकिन यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की सियासत है कर्नाटक की तरह होती जा रही है और फडणवीस को कहीं ना कहीं इस्तीफा देना पड़ेगा, क्या इस तरह की संभावना मुझे दिख रही दो है? दो चीजें इसमें लग रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जब ये कोर्ट में चिट्ठी पेश की गई भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार की तरफ से, तो कोर्ट ने बोला अच्छा ये चिट्ठी तो ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि मैं ही एनसीपी हूं और 52 विधायकों का मेरे पास समर्थन है, तो आज ये तो चिट्ठी जब आपने दी थी तब का है, इस पे तारीख क्या लिखी हुई, कई तरह के सवाल पूछे और ये भी पूछा कि आज क्या है स्थिति। जब कोर्ट ने पूछा आज स्थिति क्या है तो वो बहुत ही गोलमोल जवाब था जिसका सीधा जवाब वो नहीं दे पाए। फिर लगातार इस तरह की से जो वहां पे चल रहा है, अभी सीन चल रहा है, इसमें देखिए ये तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि फ्लोर टेस्ट जब होगा तो विधायक शायद अभी जो शरद पवार के खेमे में बैठे हुए हैं वो जो है जब वोटिंग की बारी आएगी तो अजीत पवार की तरफ से वोट डाल देंगे, इस तरह के बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें और कॉन्फिडेंस की बात करें तो दोनों ही जो पार्टियां हैं या दोनों ही जो पक्ष है वो उतने ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंघवी ने 154 विधायकों का समर्थन वाला हलफनामा जो है पेश करने की कोशिश की वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन देखे तो एक तरफ ये भी अपना पूर्ण दिखा रहे हैं बहुमत की तरफ, क्योंकि 54 का उन्होंने रखा है, 154 का इन्होंने रखा है, लेकिन इन सबके बीच में ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो ये मामला है बहुत, अभी कल क्या फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसके बाद भी ये मामला कहीं ना कहीं खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए भी क्योंकि आप पहले अगर देखें तो शिवसेना के जो विधायक थे उनको अलग रखा गया था और कांग्रेस और एनसीपी के जो विधायक थे उनको एक होटल में रखा गया था, लेकिन बाद में अचानक से उस होटल से वहीं पर शिफ्ट किया गया उसके आसपास में जहां पर एनसीपी और कांग्रेस के एमएलए हैं। तो इस मामले को अगर देखें तो, और खासकर सबसे दिलचस्प बात यह है कि अजीत पवार को छोड़कर बाकी जो ज्यादातर विधायक जो अजीत पवार के साथ गए थे शपथ में सारे लौट गए वहां एनसीपी में, और शरद पवार को उन्होंने कहा कि हम ही आप ही हमारे नेता हैं। तो ये अपने आप में, खासकर इसमें जो नाम आ रहा है धनंजय मुंडे का, और इसके अलावा भी और एक दो विधायक है जो बेहद करीबी रहे हैं अजीत पवार के, तो इसको अगर पूरे को देखे तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिलचस्प बनाता जा रहा है। ये मामला बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि जो विधायक हैं वो 5 स्टार होटल में उनको रखा गया है, और इस समय चांदी अगर है किसी की तो नहीं 5 स्टार होटल्स की, क्योंकि वहां बड़े कमरे बुक हुए हैं, स्वीट्स बुक हुए हैं, और लगातार लाखों करोड़ों का जो है वो देखना होगा कितने लाख का बिल किस पार्टी के ऊपर आता है, क्योंकि कोई भी छोटे होटल में नहीं रुका है, सारे 5 स्टार होटल्स हैं। आपको इस पूरे मामले को लेके अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें, ऐप स्टोर में जाके महाराष्ट्र सरकार बनने की जितनी भी खबर है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है आप हमारे चैनल पे सीधे पा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कल जो फैसला आएगा हम लाइव आपके साथ जुड़ेंगे, हम आपको बताएंगे पल पल की खबर क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।